हेलो दोस्तों। तो जो मुझे भी बहुत सी बार प्रॉब्लम हो रहा था कि हमने पहले यहाँ गलती से कोपिंग सिलेक्ट कर लिया होता है, यहाँ कोपिंग सिलेक्ट कर लिया था। वाकई मुझे यहाँ पे एनाटॉमिकल बनाना था, अभी बन गया। और बाद में जब हमने देखा कि वो अच्छा गलती हो गई, तो इसको हमको एनाटॉमिकल बनाना था, तो ये बन गया है कम्प्लीटली रेडी, हमने डन कर दिया। तो फिर से हमको इसका एडिटिंग नहीं होता है कि भाई हम इसको देखो, हमने जो ये कैड ले लिया, तो अभी इसका ये कॉपिंग बन गया है। आप देख सकते हो ये इसका कॉपिंग हो गया, ऑलरेडी कॉपिंग है। तो ये कॉपिंग हो गया, तो इसको किस तरह से हम लोग फिर से एनाटॉमिकल बना ले। तो ये तो अभी आप फ्री फॉर्म में जाओ जाओ, कुछ भी कर लो, ये कॉपिंग ही रहता है, कभी ये एनाटॉमिकल नहीं होता। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप बिना एडिट किए हुआ फिर से आप इसको कोपिंग में कन्वर्ट, एनाटॉमिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरा नाम है राजेश पटेल और मेरी चैनल आस्था डेंटल लैब में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी ट्यूटोरियल बना नहीं है कि इसमें आपको इस तरह से सिखाया जाए। तो मैं ऐसा ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट मोड पर जाना है, और यहाँ से आपको एनाटोमिकल ले लेना है। तो ये एनाटोमिकल आ गया, अभी आप इसको सेव कर लोगे तो ये एनाटोमिकल नहीं रहेगा। देखो चलो हमने इसको सेव कर लिया, सेव कर लिया, और हम लोग इसको डन कर लेते हैं। जब हम आप देखेंगे तो ये हमने कॉपिंग ही रहता है, देखा ये कॉपिंग रहता है। आप कुछ भी कर लो ये नहीं होता ऐसे। तो आपको क्या करना है, बहुत से लोगों ने बहुत सी ट्राई की, मैंने भी बहुत ट्राई की, नहीं होता। इसीलिए हमको क्या करना है, डिजाइन में जाना है, और कैड लेना है। यहाँ पे एनाटोमिकल दिखाएगा लेकिन एनाटोमिकल नहीं है। आप एक्सपोर्ट पे जाइए और सेव पे जाइए, सॉरी सेव पे जाइए। यहाँ जाकर आपको इसको एसटीएल में कहीं और जगह पे जाकर, जैसे कि हमने एक नया फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, और हमारा डी ड्राइव पे जाकर हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं STL करके। तो हम इसके अंदर इसको सेव करेंगे। अभी इसको आपको बंद कर देना है। जब हम लोग यहाँ से D पे जाएंगे और STL पे जाएंगे, अभी हम इसको देखेंगे तो ये पूरी तरह से एनाटॉमिकल हो गया है। तो इस तरह से आप इसको गलती से, अगर आपको कॉपिंग सिलेक्ट हो गया और आपने बना लिया, बाद में जब आपको पता चला कि इसको तो एनाटॉमिकल देना था, तो फिर से आपको जो बनाना पड़ता था वो नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कॉपिंग कर सकते हो। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।